प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए वो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं तो हमें यहाँ पर चार कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं कौन से शो किए जा रहे हैं हम जानते हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों के लिए मेम्ब्रेन प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल अब ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीनस हैं इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं बींग हाईली सेलेक्टिव ये बिल्कुल सही बात है जो सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड है उनको चेक करके भेजा जाएगा यानी सेल क्ट करके भेजा जाएगा और ये सेलेक्टिविटी आएगी मेम्ब्रेन के थ्रू जो फैसिलिटेटेड और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में काम आ रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है सेकेंड बींग लाइबल टू ये भी सही है सारे ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एक टाइम पे काम पे लग जाएंगे मॉलिक्यूल्स को भेजने में लग जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट रेट जो है वो मैक्सिमम यानी सैचुरेशन पे आ जाएगी तो इसीलिए यहाँ पर ये लाइबल होते हैं सैचुरेशन के लिए ये भी सही है रिस्पॉन्डिंग टू इनिबेटर ये भी सही है कि जो प्रोटीन इनिबेटर्स हैं वो

सही है तो करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा ऑल ऑफ दिस दैट इज ऑप्शन डी